हेलो क्वेश्चंस ओके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड्स के जो पिछले आए हुए क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये आपके वर्क दो और वर्क तीन के लिए खास तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली रटने वाले हैं वो, और उनके बारे में बता पाना मेरे लिए भी मुश्किल है क्योंकि जितनी पेडागॉजी मुझे आती है वो सब मैंने समझी हुई पेडागॉजी है। ओके जैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पहली बार इन क्वेश्चन पेपर को, वैसे मैं भी पहली बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा और अपने अनुमान के साथ इनके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके जैसे पहला ही क्वेश्चन मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहा है और ये याद कर पाने वाला क्वेश्चन है। ओके तो देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन की थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट वॉज डिजाइंड बाई। ओके देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आवाज़ वगैरह प्रॉपर जा रही है? यस नो प्रॉब्लम। सो थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट वॉर डिजाइन बाई मतलब कि विषय आत्मबोधन परीक्षण थीमेटिक किसके द्वारा रूपांकित किया गया है। ओके किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, इसको डिज़ाइन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं साइंटिस्ट हैं वटेवर जो भी हैं वो कौन है। भाई बिल्कुल भी जानकारी नहीं है मुझे, नाम पढ़ देता हूँ आइजेंक एंड अल्पोर्ट, अल्पोर्ट गाल्टन एंड क्रैक क्रैशमर, जंग एंड शेल्डन, जंग को यहाँ पे हिंदी में यूंग लिखा गया है, एंड मुरे एंड मॉर्गन, मरे एंड मॉर्गन। तो सर मॉर्गन का है ये, ओके आपको मतलब आपने पढ़ा है आपको मतलब आपने पढ़ा है कि मुर्रे और मॉर्गन सर। ओके मुरे एंड मॉर्गन ठीक है। ओके तो मुरे मॉर्गन हाँ जब आप देखें माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, ये रिफ्लेक्ट हो रही है साउंड प्लीज। सो मुरे एंड मॉर्गन देखते हैं इसका सवाल। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी नाइस, आपने पढ़ रखा है इसका तो आपको करेक्ट 1 मार्क्स मिले इसमें। तो अप्रिशिएशन टेस्ट के बारे में चाहूंगा कि अगर थोड़ी सी जानकारी है तो आप लोग बताएं, शेयर करें, जिससे कि जो लोग इसको देखेंगे आगे चल के या साथ में भी जुड़ेंगे, अगर थोड़ी सी जानकारी है तो प्लीज़ बिना हिचक के झिझक के आप लोग बताइए क्या टेस्ट होता है, अप्रिशिएशन टेस्ट क्या होता है, आत्मबोधन परीक्षण क्या होता है। कुछ जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, चलिए नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन सर करते इसको हैं। टीएटी बोलते हैं, थीमेटिक टीएटी बोलते हैं, थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट एप्रिशिएशन को। टेस्ट को। ओके ओके एक मिनट जी, एक एक करके यहाँ पे अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। इधर पे ठीक है ना, ज्योति ने एग्जैक्टली तो आपने कहा है सर इसको कि थी इसको टीएटी बोलते हैं, मुरेन मॉर्गन ने दिया था। सर और इसको मतलब कोई भी पिक्चर को रिप्रेजेंट कैसे करना है उसका एक तरीका बताया है थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट में। ओके इसका आपने क्या बताया था, थ्योरी थ्योरेटिकल क्या बताया था, थ्योरी थीमेटिक एप्रिसिएशन हाँ टेस्ट ओके ये इसको मुरे इसे एंड मॉर्गन ने दिया था, ये एक जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिसमें एक पिक्चर के बारे में बताते हैं, ओके 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 ये ओके पर्सनैलिटी ट्रेट में आता है। अच्छा ये पर्सनालिटी ट्रेट में आता है, एक तरीके का पर्सनालिटी ट्रेट है, इसमें पिक्चर पिक्चर को देख करके उसके बारे में बताना पड़ता है ऐसा कुछ। यस सर चलिए ठीक है तो ये अच्छी सी जानकारी सर हमें मिली। इसमें अच्छी सी सर जानकारी इसमें हमें मेरे मिली हिसाब से सर कुल कार्डों की संख्या 31 होती अच्छा है, तो वेरी नाइस कुल और चलिए पुरुष और वेरी नाइस महिला के लिए कार्डों की संख्या, पुरुष और महिला मिलकर कार्डों की संख्या 10 होती है, इसमें खाली और साफ को आपकी आवाज जो है बहुत कट रही है। आपकी आवाज जो है बहुत कट रही है। सर 14 वर्ष से अधिक बालकों एवं बालिकाओं का उपयोग किया जाता है इस परीक्षण में, इसका दूसरा नाम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहलाता है, मार्गरेट मुर्रे का। इसमें कुल कार्ड 31 लिए गए थे जिसमें से प्रयोग किए जाते हैं 30 कार्ड, 10 पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए, और 10 बचेंगे पुरुष और महिला, और एक खाली कार्ड रहता है इसमें। ओके टोटल कार्ड कितने यूज होते हैं इसमें, टोटल कार्ड कितने यूज होते हैं इसमें। टोटल कार्ड उपयोग किए जाते हैं 30, और टोटल कुल कार्डों की संख्या 31 होती है। ओके 31 होती तो एक ज्यादा, 31 होती तो एक ज्यादा, जी सर एक ज्यादा है ना इसमें। एक ज्यादा है इसमें हाँ, 31 सर कुल कार्डों की संख्या, अगर ऑप्शन आता है कुल कार्डों की संख्या 31 मानी जाएगी, लेकिन प्रयोग किए गए कुल कार्डों की संख्या 30 रहेगी। ओके चलिए बहुत अच्छी बात बताई आपने कि यहाँ पे कविता सर दो होती है, बहुत मतलब इसमें दो उपयोगिता होती है, सामाजिक तथा व्यक्तिगत होती है, इस निरीक्षण से होता है कि प्रौढ़ व्यक्तियों हेतु उपयोगी। चलिए ठीक है। आपका नेटवर्क जो है थोड़ा सा वीक है इसलिए आपकी आवाज़ रुक रुक करके आती है, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही थी ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर टू है, यू आर अ पेडियाट्रिक रेसिडेंट, ओके पेडियाट्रिक रेसिडेंट, आप एक बाल चिकित्सक हैं, ओके सेवन एक सेकेंड हाँ अ सेवन ईयर्स ओल्ड तरुण इज सस्पेक्टेड टू सफर फ्रॉम द ऑटिज्म, ओके ये सेवन ईयर्स का जो बच्चा है तरुण जो कि ऑटिज्म से पीड़ित है, ठीक है ना, ऑटिज्म से पीड़ित है, यू रेफर्ड दिस बॉय टू सी एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट फॉर असेसमेंट, ओके आपने इस बालक को आकलन के लिए एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक को देखने के लिए भेजा, इस बालक के आकलन के लिए आपने एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के भेजना है, द एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट सेंड अ रिपोर्ट टू यू एंड यू नीड एंड एक्सप्लेन यू नीड टू एक्सप्लेन एंड फाइंडिंग्स हिज टू हिज मदर, ओके शिक्षा मनोवैज्ञानिक आपको एक रिपोर्ट भेजता है और उसमें आने वाले निष्कर्ष उस बच्चे की माँ को समझाने की आवश्यकता है, ओके His strength is most likely found in which of the following area? उसकी ताकत निम्न में से किस क्षेत्र में होने की सर्वाधिक संभावना है? ओके, उसकी ताकत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होने की सर्वाधिक संभावना है? तो बच्चे को ऑटिज्म है, ओके His strength is most likely to found in the which of the following area? आपको बताना है कि जो बच्चा है His strength is most likely to found in which of following areas? First, oral presentation skills, मौखिक प्रस्तुति कौशल, verbal concept formation, मौखिक अवधारणा गठन, block design and अमूर्त सोच। चलिए, autism के बारे में कोई जानता है क्या? Autism के बारे में बताएं भाई, ये बच्चा जो है autism से सफर कर रहा है, ये किस तरीके का रोग है autism? सर वो कोई भी चीज को रिपीट करता है, सही से नहीं बोल पाता है। अच्छा, मतलब ये एक पठन विकार है? यस सर। ओके, ऑटिज्म है, ये एक प्रकार का पठन विकार है। हिज स्ट्रेंथ इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, कह रहा है कि उसकी जो ताकत है इसमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक होने की संभावना है? मौखिक प्रस्तुति कौशल, ओके वर्बल कंसेप्ट फॉर्मेशन, अमूर्त सोच। देखिए, 7 साल का बच्चा है तो अमूर्त सोच तो पहले ही से बाहर हो गई, अमूर्त सोच में वो मजबूत होगा नहीं, और जैसा कि आपने बताया कि पठन विकार है, मौखिक प्रस्तुति पठन विकार में आड़े आएगा तो ये भी प्रॉब्लम करेगा, मौखिक फिर से आ गई है बात यहाँ पे मौखिक, तो यहाँ पे ये गठन प्रॉब्लम करेगा, तो बच्चा जो हो सकता है ब्लॉक डिजाइन में अच्छा होगा। तो इसके आंसर हम 3 की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि क्या इसका सही आंसर है। करेक्ट आंसर है 3, ब्लॉक डिजाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके जेंडर इज डिटरमाइंड, जेंडर किससे डिटरमाइंड होता है व्हाइल सेक्स इज डिटरमाइंड, ओके तो जेंडर किस रूप से निर्धारित होता है? जेंडर इज डिटरमाइंड सोशली बाय सोसाइटी एंड सेक्स इज डिटरमाइंड बायोलॉजिकली। ओके बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, जो सेक्स होती है वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होकर के आती है, ओके एंड जेंडर जो होती है वो सोशली डिटरमाइंड सोसाइटी बनाती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक ना, और ये तो अपने पास जो है बायोलॉजिकली डिसाइड है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है, एक मिनट, यहाँ पे सोशली कल्चरली है ना जेंडर जो होता है, तो इसका आंसर जो है तो दिया ही नहीं है, तो मगर इसमें सोशली नहीं आया है तो इसको हम कल्चरली सेलेक्ट करेंगे और बायोलॉजिकली सपोर्ट करेगा, तो जेंडर जो है एक्चुअली सोशली कल्चरली लगभग एक जैसे ही मैच हो रहे हैं, तो वैसे तो करेक्ट आंसर इसका पहले सोशली होना था, बाद में बायोलॉजिकली होना था, तो कोई ऑप्शन है नहीं और एक ऑप्शन तो टिक लगाना पड़ेगा, ओके ये दोनों हो नहीं सकते हैं, सोशली कल्चरली दोनों हो नहीं सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसके डी पे हम जाएंगे मजबूरन, और सही भी है, करेक्ट आंसर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अ सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प्स अस टू डिराइव meaning of known as a set semantics of, a set of rules which helps to derive the meaning of known as नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है, उसे किसे जान जाते हैं? syntax सर वैसे तो शायद ये सिंटैक्स होता है, बाकी अगर इसमें वो नहीं दिया तो सिमेंटिक्स होगा। ओके सिंटैक्स, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स में क्या फर्क है पता है आपको? यस सर, सिंटेक्स में जो भी सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट अरेंज करके लगाते हैं एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है सिंटेक्स में। हाँ। और सिमेंटिक्स मींस मतलब कोई भी सेंटेंस का मीनिंग।
हाँ एग्जैक्टली तो अगर मीनिंग की हाँ, बात और करते हैं फोनिम्स हम, जो है वो साउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, हाँ और एक होता है मॉर्फीन, वो होता है वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे कि टैप, वाटर, उसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। ओके ओके ओके, तो बहुत सारी बातें यहाँ पे समझ में आई हैं। जो आपने बोला है वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट, वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट आपने क्या बताई, मॉर्फिन। हाँ, ओके वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट आपने बताई है मॉर्फिन, और फिर एक और क्या बताई आपने, फोनिम्स, साउंड की फोनेम्स। स्मॉलेस्ट ओके यूनिट। ऐसी ऐसी, तो साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो फोनेम्स होती है, जिससे मिलके फोनेटिक्स बना है। यस सर। ओके और सिंटेक्स जो होती है वो किसी वर्ड की मीनिंग से रिलेटेड होता है, सिंटेक्स सॉरी यस जिसको सर। अपने सिमेंटिक्स है ना। यस सिमेंटिक्स, तो यहाँ पे आंसर जो है, यहाँ पे अपने पास सिमेंटिक ही है, तो सिमेंटिक। और जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स मतलब कि एक तरीके का एक डिजाइनिंग जो होती है, जिसमें हम पैटर्न में रखते हैं उसको रखते हैं सिंटेक्स, मतलब ढांचा है ना, यस सर। तो नियमों का ये सेट। तो भैया इसका करेक्ट आंसर तो सिंटेक्स होना चाहिए, बट यहाँ पे सिंटेक्स है ही नहीं है, तो अर्थ पे ही जाएंगे, तो इसका आंसर सिमेंटिक्स होगा। क्लियर। सिमेंटिक्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अत्रिशा इज एन 8 ईयर ओल्ड विच वो कॉन्फिडेंटली परफॉर्म आर्थमेटिक टास्क दैट इन्वॉल्व एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ नंबर। ओके अकॉर्डिंग टू द पियाजे विच कॉग्निटिव एबिलिटी एनेबल्स त्रिशा टू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। त्रिशा एक 8 वर्षीय लड़की है भैया, 8 वर्षीय लड़की पहले ही आ चुकी है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पर पियाजे की बात हो रही है, और ओके सो जो आत्मविश्वास से अंकगणित कार्य करती है, जिसमें एक संख्या को शून्य से जोड़ना एवं घटाना शामिल है, पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक क्षेत्र दिशा को अवधारणा में सक्षम बनाती है। कि सर यहाँ शायद इसका रिवर्सिबिलिटी होगा। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे है, डिसेंटर मीन्स विकेंद्रण, कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण, ओके एंड तार्किकता मीन्स लॉजिकल रीजनिंग, एंड रिवर्सिबिलिटी मतलब विपर्यता। रिवर्सिबिलिटी आप क्यों कहना चाहेंगे यहाँ पे ज्योति, बताइए प्लीज। सर जैसे कि उसका मतलब a+b = इतना होता है, और फिर इसको रिवर्स करना, और 8 ईयर्स की है तो इतना तो उसको बन जाएगा सर बच्चे पे। ओके यहाँ पे जो लड़की काम कर रही है, जिसमें एक संख्या को शून्य से जोड़ना और घटाना शामिल है ना, एक संख्या से शून्य को जोड़ना मतलब एक नंबर है ए, ए में 0 ऐड हो रहा है और ए में 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और एवरी टाइम आप ए में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे और ए में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा है ना। तो ए में 0 ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आंसर ए आ रहा है। तो विकेंद्रण यहाँ पे हो नहीं सकता है। कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन एक तरीके से ये सपोर्ट करता है कि चीजें उसी रूप में, डी सेंटर मीन्स क्या होता है? डिसेंटर मतलब अलग अलग लॉजिक दौड़े, डिसेंटर मतलब एक सेंटर से हट करके कोई, बट ये एक सिंगल की टर्म तरफ जा रहा है, तो इसको डिसेंटर नहीं बोल सकते हो। ओके विपर्यता, रिवर्सिबिलिटी का मतलब वहां पर आता है कि ए का आंसर बी होगा, बी का आंसर ए होगा, वहां रिवर्सिबिलिटी वहां पे आता है, तो यहाँ पे विपर्यता नहीं लगेगी कुछ ऐसा। ओके तो कंजर्वेशन आंसर होगा या लॉजिकल रीजनिंग आंसर होगा, दो में से एक चीज है। कंजर्वेशन मतलब एक आइडिया जो है जा करके वो सेट हो रहा है उसके दिमाग में, लाइक दिस ऐसा कुछ। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कंजर्वेशन और लॉजिकल रीजनिंग से लॉजिक भी बच्चे के बन रहे हैं कि 0 जब ऐड होगा तो हमेशा ए आएगा और 0 माइनस होगा तो ए आएगा, ये लॉजिक सेट हो गया उसके दिमाग में, ठीक है ना। ओके तो चेक करते हैं ये क्या है इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर है लॉजिकल रीजनिंग, बच्चा लॉजिकल। एसएस कर पा रहा है, लॉजिकल रीजनिंग सीख रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई 3 ईयर्स चाइल्ड कैन स्पीक, द चाइल्ड इज एबल टू स्पीक। 3 वर्ष तक का बच्चा क्या बोल पाने में सक्षम होता है। पहला सिलेबल्स मतलब कि अक्षर, ग्रामेटिकली कंप्लीट वर्ड्स व्याकरणिक रूप से पूर्ण शब्द, वर्ड यानी कि शब्द, एंड कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द। देखिए अक्षर पहला है, ग्रामेटिकली ये तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ओके और शब्द बोल पाएगा शब्द एंड कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द,
कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द। देखिए 3 साल का जो बच्चा होता है क्या वो हर शब्द को बोल लेता है? शब्द पे निशान लगाने के पहले क्या 3 साल का बच्चा हर शब्द को बोल लेता है कि नहीं बोल पाता? नहीं बोल पाता है। तो इसका शब्द आंसर नहीं हो सकता है, ठीक ना? इसका शब्द आंसर नहीं हो सकता है। 3 साल का बच्चा क्या सारे अक्षर बोल लेता है? 3 साल का बच्चा स्टडी करनी पड़ेगी बच्चों के ऊपर। नहीं, 3 साल का बच्चा स्कूल जाना, प्ले स्कूल में जाके पहले दर्ज होता है, प्ले स्कूल में पहले अपन उसको जमा करके आते हैं, हाँ या ना? और प्ले स्कूल में जा करके वो कुछ अक्षर सीखता है जिसका उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया होता, जैसे ज्ञा ज्ञानी का। अब ज्ञा का इस्तेमाल तो उसने अपनी लैंग्वेज में कभी नहीं किया होता है, या इया का इस्तेमाल कभी नहीं किया होता है, या अड़ा का इस्तेमाल कभी नहीं किया होता। घर में तो कोई नाम किसी का अड़ा से होता नहीं है, है ना? यस। तो जो बच्चा होता है, बच्चा होता है अपने काम के शब्द जो होते हैं कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द, जैसे खाना है ना, जो भी उसके काम के शब्द होते हैं उसको अपने तरीके से बना लेता है, समझ गए ना? जो उसके काम के शब्द हैं पूर्ण शब्द। तो इसका आंसर जहां तक है मुझे ए नहीं लग रहा है, सारे अक्षर नहीं बोल पाता है, बी नहीं लग रहा है, सी नहीं लग रहा, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, इसका आंसर डी होना चाहिए। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप लोग ये जरूर पढ़ के जाइएगा कि कितने शब्दों का संग्रह हुआ करता है, मतलब कुछ 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कितने शब्दों का संग्रह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो। यार पता नहीं मास्लो के कितने क्वेश्चन आए हैं एमपी टेट में, हर पेपर में एक क्वेश्चन मास्लो का आया है और सब लोग मास्लो छोड़ के गए थे। इब्राहिम मास्लो बहुत पसंद किया इन लोगों ने। तो अकॉर्डिंग टू द इब्राहिम मास्लो फॉलोइंग इज द समिट ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इब्राहिम मास्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है। ओके, मास्लो ने 4 संबंध भी दिए थे, पराकाष्ठा है। फर्स्ट सुरक्षा की आवश्यकता, सेकेंड संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। बताइए इसमें से मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा मतलब इंसान की मोटिवेशन के लिए कौन सी चीज वो चाहेगा? सुरक्षा चाहेगा, संबद्धता एवं स्नेह की बात करेगा, आत्मसिद्धि की बात करेगा और सम्मान की आवश्यकता चाहेगा। प्रेरणा की पराकाष्ठा मतलब जो मोटिवेशन का जो टॉप लेवल है वो किस चीज की नीड मांग करेगा, मोटिवेशन का जो टॉप लेवल है वो किस चीज की मांग करेगा। देखिए याद रखिएगा कि सेफ्टी का कोई ऑप्शन नहीं है, सेफ्टी एकदम बकवास चीज है। मास्लो की थ्योरी में सेफ्टी का कोई नाम नहीं था, ये मुझे पता है सर। ऑप्शन 3, नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है, सभ्यता एवं स्नेह की आवश्यकता। सर इन्होंने 5 दिए थे ना इब्राहिम मास्लो ने कि हमारी वो 5 चीजें जरूरी हैं। क्या क्या है बता दीजिए। एक था सेल्फ स्टीम, हाँ, दूसरा और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लव बिलोंगिंगनेस और सेफ्टी। मतलब सबसे पहले तो हम लोग को सेफ्टी, और एक और था उसमें जो खाने पीने की चीज जरूरी है। नहीं, सेफ्टी है उसमें कि नहीं है ये बताइए। सर सेफ्टी भी है। पक्का? यस सर। ओके ओके, खाने पीने की चीजों का तो है, खाने पीने की चीजों का तो है ना, बट आई एम नॉट श्योर कि सेफ्टी है कि नहीं है। यस सर। यस सो ज्योति, ये डॉगी आपके इधर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, देखिए ठीक है ना? तो इसकी डॉगी की आवाज। हाँ, चलिए तो करेक्ट आंसर है नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता जो है ये इसकी पराकाष्ठा है। देखिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑफ सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व, किस तरीके की स्मृति प्रसंस्करण में किसी वस्तु की सतही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स केवल ऊपर ऊपर की बात जो है, किस प्रकार की टाइप की मेमोरी प्रोसेसिंग में, कौन सी मेमोरी प्रोसेसिंग केवल ऊपर ऊपर की चीजें देखती है? फर्स्ट सर ऑप्शन 4, सेल लेवल प्रोसेसिंग। ओके, गहरा, आंशिक, विस्तृत एंड उथला स्तर। तो इसके ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है जो उसके ऑप्शन है, सेल लेवल बिल्कुल सही होना चाहिए आंसर। देखते हैं आंसर इसका,
शैलो लेवल, तो ये तो भैया हर किसी से बन जाता है क्योंकि क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है, 1 मार्क्स। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ चाइल्ड डज वेल इन एग्जाम बिकॉज ही वॉज प्रोमिस्ड अ न्यू फोन। ओके, एक बच्चा जो है उसे नए फोन देने का वादा किया गया है और इसके कारण वो एग्जाम में अच्छा करके आता है। ओके, तो यह कौन सा पुनर्बलन है, दंड है, क्या है भैया ये? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो ही नहीं सकता है, नेगेटिव नकारात्मक दंड हो ही नहीं सकता है, सकारात्मक दंड नाम की कोई चीज मुझे लगती नहीं होती है, सो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। सर वैसे ये कोलबर्ग की फर्स्ट स्टेज में भी आ जाएगा जिसमें पनिशमेंट और ओबिडेंस दिया रहता है। हाँ, लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, लेवल 1 कोहलबर्ग की प्री कन्वेंशनल स्टेज। ओके, हाँ उसमें आता तो है ये, क्या उसको क्या बोलते हैं, पुरस्कार एवं दंड, पनिशमेंट एंड ओबिडेंस, ओबिडेंस। हाँ हाँ यस, ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। भैया ये क्वेश्चन बायो का एक क्वेश्चन तो रहता ही है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है भैया बताइए, जायगोट है, जीन है, ओके, फर्टिलाइज सेल है एंड क्रोमोजोम है, यूनिट ऑफ अनुवंशिकता की इकाई क्या है, अनुवंशिकता जो है जिन फॉर्म्स में जाती है, किस फॉर्म में जाती है, सबसे छोटी उसकी पैरामीटर क्या है, करेक्ट आंसर होना चाहिए जीन्स। ओके, हेरिडिटी जो होती है जीन फॉर्मेटेबल होती है, सो करेक्ट आंसर है जी, लिख लीजिए कॉपी में आप लोग, यस द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप इसका पीडीएफ तो भेजोगे ना? बिल्कुल, ग्रुप में डालता हूं ना। यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ चाइल्ड डज हिज कोर्स ओके बिकॉज ही विल रिवार्डेड विद अ चॉकलेट। ओके, इफ ही डज, यदि वो करता है तो उसे एक चॉकलेट मिलती है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द डिस्क्राइब द चॉकलेट। ओके, एक बच्चा अपने काम को करता है क्योंकि वह करता है, उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाता है, चॉकलेट जो है वर्णन करने के लिए क्या है यहाँ पे, चॉकलेट, यस चॉकलेट क्या है, ऑपरेंट कंडीशनर है, पनिशिंग स्टूमुलेंट्स है, नहीं भैया बिल्कुल नहीं है, पनिशिंग तो है नहीं है, नेचुरल स्टूमुलेंट्स है, तथस्थ भी नहीं है ये एक तरीके का, और अब बात होती है रीइंफोर्सर हो सकता है, रीइंफोर्सर है या ऑपरेंट कंडीशनर है। यार ऑपरेंट कंडीशनर की बात जो है, अब ये दोनों ऑप्शन में से एक कोई सही है ये बात तय है, ऑपरेंट कंडीशनर मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधक एंड रीइंफोर्सर, तो जो एक तरीके का साधन है यहाँ पे चॉकलेट जो है उसे एक तरीके का साधन है और वो उसको जो है डायरेक्टली अपने खा लेता है। ओके बच्चा, तो और यदि ऑपरेंट कंडीशनर की बात की जाए तो कंडीशनर ऑपरेंट कंडीशनर मतलब एक परिस्थितियां होती हैं जिसको बना करके वो लिया जाता है, तो ये कंडीशनिंग से ज़्यादा बेहतर आंसर इसका होना चाहिए रीइंफोर्सनर, या ये कहना चाहते हैं स्टिमुलेंट कह सकते हैं इसको, प्रबलक है। ओके, बच्चे को रीइंफोर्स कर रहा है, एक सेट ऑफ कंडीशंस नहीं है कि उसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कह सके, है ना? यस, तो करेक्ट आंसर है इसका अपने पास रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्सर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न, भैया क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आगा, कौन की थी ये प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का बिल्कुल सही, लट्टू क्वेश्चन एकदम, हर कोई करके आएगा इसको, लूट के आएंगे, ठीक है ना? यस, तो थॉर्नडाइक का आंसर था ये क्वेश्चन नंबर 12। सर इन्होंने भी बहुत कुछ दिया तो भूल भी जाते, थॉर्नडाइक का एक वो तो भैया वो फैक्टर भी है और मल्टीपल इंटेलिजेंस भी होने का। हाँ, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ना, द्विकारक सिद्धांत क्या क्या है कितने सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टूडेंट वो कंप्लीट टास्क टू अर्न मार्क्स इज मोटिवेटेड बाई, एक बच्चा जो है वो देखो एक तरीके के, दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, एक आंतरिक मोटिवेशन, एक बाहरी मोटिवेशन। आंतरिक मोटिवेशन मतलब कि पढ़ने के लिए पढ़ना, क्योंकि मुझे पढ़ना है इसलिए पढ़ना है, सो दैट इज इंटरनल मोटिवेशन। एंड बाहरी मोटिवेशन यानी किसी भी प्रकार का, आई स्टूडेंट वो कंप्लीट टास्क टू अर्न मार्क्स, तो अर्न मार्क्स मतलब उसे मार्क्स जो मिलेंगे वो कोई बाहर वाला देगा। ओके, तो इस तरीके का जो पूरा करता है, कार्य पूरा करता है, वह इससे प्रेरित होता है, फर्स्ट नोइंग नीड्स, आवश्यकताओं को जानना, इंट्रेंसिक फैक्टर आंतरिक कारक बिल्कुल नहीं, महारत लक्ष्य मैस्ट्री गोल्स ये भी कुछ नहीं होता है, और बात है अपने पास नोइंग नीड्स है और बाहरी कारक है। देखो भैया अंक अर्जित करने की बात कर रहा है,
मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो अपने मार्क्स को बढ़े हुए देखने पर इंटरेस्ट है उसका, समझ गए ना? तो यहां पर कौन सा कारक होगा बताइए? नोइंग नीड्स है, इंट्रेंसिक है, एक्सट्रेंसिक है, मिस्ट्री गोल से, क्या लग रहा है? नोइंग नीड्स आवश्यकताओं को जानने के लिए, नोइंग नीड्स मतलब एक तरीके से से समझ ही नहीं आ रही है। एक बच्चा जो है वो नंबर ज्यादा लाने के लिए, अर्न मार्क्स इज मोटिवेटेड बाई, एक बच्चा जो है वो अपना काम इसलिए पूरा करता है क्योंकि उसे नंबर ज्यादा मिलेंगे। सुनो 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 मेरी बात सुनो, टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है, टीचर के क्लास में पढ़ाने से अगर वो बच्चा होमवर्क पूरा करके दिखाता है तो फाइनली उसको एग्जाम में उसको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, समझ गए? तो ये बाहर किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है, तो मे बी ये होना चाहिए इसका एक्सट्रेंसिक फैक्टर, बाहरी कारक, क्योंकि ये बाहर किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है, ये इसलिए काम पूरा कर रहा है क्योंकि इसको मार्क्स मिलेंगे, और मार्क्स कौन देगा? बाहर से देगा। तो कोई अंदर से अभी प्रेरणा जारी नहीं हो रही है, अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए एक्सट्रेंसिक फैक्टर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग आ गया भाई। थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग अ नेचुरल स्टिमुलस बिकम एन, ओके, थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, किसने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत पता है? आवाज नहीं आ रही आपकी। थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग अ नेचुरल स्टिमुलस बिकम ए ऑब्लिक एन, चिर प्रतिष्ठित प्राणुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से एक उदासीन उद्दीपक एक बन जाता है, एक उदासीन उद्दीपक क्या बन जाता है बताइए? ये एक ये न्यूट्रल स्ट्यूमुलस की बात हो रही है यहाँ पे, न्यूट्रल स्ट्यूमुलस, न्यूट्रल स्ट्यूमुलस क्या बन जाता है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशन स्ट्यूमुलस, कंडीशन स्ट्यूमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या बन जाता है ये? ये क्वेश्चन बड़ा टफ है। क्लासिकल कंडीशनिंग में ए न्यूट्रल स्ट्यूमुलस बिकम्स, एक न्यूट्रल स्ट्यूमुलस जो होता है वो उदासीन उद्दीपक क्या बन जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित उद्दीपक, प्राणुकूलित उद्दीपक, प्राणुकूलित अनुक्रिया, तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग में जो आपका स्ट्यूमुलस यूज होता था वो कंडीशनड स्ट्यूमुलस बन जाता था, बस इतना पता है कि कंडीशनड स्ट्यूमुलस बन जाता था, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 में ही कंडीशनड स्ट्यूमुलस है, और रिस्पॉन्स थोड़ा ना उद्दीपक बनता था, रिस्पॉन्स तो सामने वाला देता था, तो केवल आंसर नंबर 3 मैच कर रहा है, वो भी इंग्लिश में, मुझे पता है कंडीशनड स्ट्यूमुलस, तो इसका आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है कंडीशन स्ट्यूमुलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंटिन्यूअस लाउड नॉइस इज अवॉइडेड बाय द क्लोजिंग द डोर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक मतलब बच्चा है कोई भी है, दरवाजे को बंद करके तेज आवाज से बचा जा सकता है, यह किस प्रकार का उदाहरण है? दरवाजे को बंद करके तेज आवाज से बचा जा सकता है, यह किस प्रकार का उदाहरण है? निगेटिव री इन्फोर्समेंट, निगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो दंड तो यहां पे दोनों में नहीं है, मतलब ऑप्शन या तो इसमें फर्स्ट में है या फोर्थ में है, क्या है ये? नकारात्मक री इन्फोर्समेंट है या सकारात्मक री इन्फोर्समेंट है? अ कंटिन्यूअस लाइट कैन बी अवॉइडेड बाई क्लोजिंग द डोर, क्लोजिंग द डोर मतलब यदि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है या कुछ भी है, नॉइस वगैरह आ रही है, तो आप दरवाजे को बंद कर लो। तो यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी वाली बात तो नहीं आ रही है, तो ये जो होना चाहिए ये एक तरीके का रेइनफोर्समेंट तो है,
मगर ये नकारात्मक पुनर्बलन लग रहा है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है निगेटिव रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्बलन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सेवरल टिश्यूज कोऑर्डिनेट टू गिव राइज टू अ सिस्टम, दिस इज नोन एज। कई ऊतक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है। सारे ऊतक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, इसे क्या जाना जाता है। निरंतरता, एकीकरण, स्पेसिफाई, विभेदन। भैया नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सारे के सारे, सेवरल यानी कि कई ऊतक जो हैं आपस में एक दूसरे से मिल करके कोऑर्डिनेट करेंगे, तो ये एक तरीके का इंटीग्रेशन होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, एकीकरण। तो हर बच्चे ने इसका सही जवाब दिया होगा, एकीकरण इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं करेक्ट आंसर एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी इंटीग्रेट्स प्रिंसिपल एक्सप्लोर्ड बाई चाओस नेटवर्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज। डिफिकल्ट सवाल। कौन सा सिद्धांत चाओस अराजकता, नेटवर्क ओके जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन आत्मसंगठन सिद्धांतों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को एकीकृत करता है। चलो भाई अगर आप पढ़ के आए हैं इसका क्वेश्चन का जवाब तो आपको बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यदि आपने ये थ्योरी पढ़ी हुई है, चाओस पढ़ा हुआ है, नेटवर्क इन्हें पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्सिटी जो है इस तरीके से, तो ये कौन सा सिद्धांत में आता है। फर्स्ट कॉग्निटिविज्म में आता है, कनेक्टिविटीज में आता है, संयोजनवाद बिहेवियरिज्म में, व्यवहारवाद में आता है, या मानवतावाद में आता है। चलिए पढ़िए अगर आपने ये चारों सिद्धांत यदि पढ़े हैं, कॉग्निटिज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, कनेक्टिविज्म, संयोजनवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, संज्ञानवाद। चलिए इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है संयोजनवाद, तो इसमें जीरो मिलेगा। ओके इसका करेक्ट आंसर है संयोजनवाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग स्किल इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। पहला फॉर्मेटिव, ओके कौन सी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, फॉर्मेटिव, उपलब्धि, सबमिटिव एंड परफॉर्मेंस। इसमें से कौन सा समावेशी शिक्षा में शिक्षण कौशल नहीं है। बताओ बच्चों एक बार कोई भी आंसर दीजिए, समावेशी शिक्षा में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं बहुत ज्यादा। समावेशी शिक्षा में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग स्किल इन इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में जिसमें सबको साथ में लेकर के चला जाता है हर प्रकार के बच्चे को, इसमें कौन सा फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक निर्माणात्मक, वो तो क्या उसको क्या उसमें दिक्कत है कि इसमें कोई शिक्षण कौशल नहीं आएगा क्या फॉर्मेटिव। चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है ज्योति, बिल्कुल भी नहीं आ रही, पहले अच्छी आ रही थी अब बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ अब आई, बताइए। अचीवमेंट टेस्ट भी होता है, परफॉर्मेंस नहीं होता। डोंट नो, कोई आइडिया नहीं है। चलिए इसका आंसर देखना पड़ेगा। ओके तो इस पे मैं अपने आपको जीरो दूंगा, देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर है कि इसमें से समावेशी शिक्षा में शिक्षण कौशल नहीं है, फॉर्मेटिव नहीं होता है। समावेशी शिक्षा में फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होते हैं। फॉर्मेटिव मतलब क्लास के दौरान जो कभी भी लिए जाते हैं और बच्चे की प्रोग्रेस देखी जाती है, किस तरीके से बच्चा सीखना है, सीखने का तरीका देखा जाता है। ओके सीखने का तरीका फॉर्मेटिव से पता चलता है। ओके जिसको बोलते हैं सीखने के लिए आकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ
पेरेंटिंग इज लीस्ट लाइकली टू बेनिफिट ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट, इसमें से कौन से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम है? फर्स्ट परमिसिव, अनुमोदक एंड क्वेश्चन नहीं आ रहा अभी आपको इसलिए। नहीं नहीं क्यों नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। 18th क्वेश्चन शो हो रहा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 अभी नहीं आया क्या? आप एक बार फिर से रिफ्रेश कर लो, मतलब एक बार फिर से जुड़ जाओ, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, देख लीजिए तब तक आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज लीस्ट लाइकली टू बेनिफिट ए चाइल्ड डेवलपमेंट, निम्न में से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे का विकास लाभ? परमिसिव, अनुमोदक, मतलब जो बच्चा कहे कि हाँ सब कुछ दे दो, है ना, वो होता है अनुमोदक, है ना। तो दूसरा अनइनवॉल्वड, मतलब कोई मतलब ही, मतलब को भावनात्मक रूप से माता पिता मर गए हो, कोई मतलब ही नहीं इस तरीके से। ऑथोटोरियन, मतलब कि सत्तावादी, एकदम से हिटलर वाला बात बनना। एंड ऑथोट्रेटिव, अथॉरिटेटिव, ओके अथॉरिटेटिव, आधिकारिक रूप से, मतलब एकदम जैसे कि लीगल टाइप का सिस्टम जो रहे। तो इसमें सत्तावादी तो गलत है, है ना, मगर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किस में होगा ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान लाभ होने की संभावना सबसे कम किस में है। तो अगर पेरेंटिंग इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा बच्चे का, कोई मतलब ही नहीं रखोगे आप बच्चे से तो उसका। सो आंसर इसका है अनइनवॉल्व, बिल्कुल सही, 1 मार्क्स मिलेगा अगर आप अनइनवॉल्व हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, Which of the following steps should be taken in order to develop creativity in student? छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाना चाहिए? The teacher has to give freedom to respond. शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए, the teacher has to give freedom to respond. शिक्षक को प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। Okay, मतलब कि जो teacher है वो बच्चों को एक तरीके से free कर दे कि भैया तुम जो है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दो। ओके हाँ, तो सही लग रहा है, थोड़ा सा सही है ये। अगला सेकंड क्या है? सेकंड है द टीचर शुड डिलीवर लेक्चर्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी। अरे भैया क्रिएटिविटी पे लेक्चर देने से क्या होगा? ओके बच्चों को इनकरेज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू आस्क क्वेश्चन, बच्चों को प्रश्न पूछने के अवसर देने चाहिए। हाँ ये भी ठीक है। टीचर हिमसेल्फ शुड बी क्रिएटिव, शिक्षक को भी रचनात्मक होना चाहिए। नहीं, शिक्षक की रचनात्मकता की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बच्चों की रचनात्मकता की बात होनी चाहिए। तो शिक्षक का रचनात्मक होना इतना जरूरी भी नहीं है, कई बार बच्चे रचनात्मक स्वयं से निकल आते हैं। शिक्षक अगर क्रिएटिव ना हो, दूसरी शैली का हो, तो भी बच्चे हो सकते हैं। तो इसमें क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या है इसमें, क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि अगर एक क्लास के बच्चे जो हैं रचनात्मक विकास के लिए, उनके अंदर क्या क्रिएटिव डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी होने के लिए, क्रिएटिव इन स्टूडेंट्स, क्रिएटिविटी डेवलप होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताइए। एक तो आंसर कैंसिल हो गया है कि व्याख्यान देना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल मैं एग्री नहीं करूंगा क्योंकि व्याख्यान से कुछ नहीं होने वाला है। स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू आस्क क्वेश्चन, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवसर देने चाहिए। ओके देखिए प्रश्न से, अब यदि देखा जाए इसमें तो शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, एक ये ऑप्शन बन रहा है, और दूसरा है स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना चाहिए। बट प्रश्न रोट लर्निंग से भी रिलेटेड हो सकता है ऐसा लग रहा है, वो टीचर का क्रिएटिव होना ये इतना मेरे को संबंधित नहीं लग रहा है। तो इनमें सबसे जो ठीक ठाक ऑप्शन दिख रहा है वो ए नंबर दिख रहा है, फर्स्ट नंबर। तो चलिए देखते हैं, एग्जैक्टली ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अंतिम अवस्था पूछ लिया भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो SPCF फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है सब लोग जानते हैं, वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। जीन पियाजे की जो थ्योरी थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थी, याद रखिएगा जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात की थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है। ओके
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव फर्स्ट स्पोरैडिक डेवलपमेंट छिटपुट विकास कहीं कहीं यूनिफॉर्म डेवलपमेंट और डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड नो डेवलपमेंट शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्या होता है। तो देखिए आपको पता होगा कि मस्तिष्क के विकास की जो दर होती है वो बहुत तेज होती है। अलग अलग अंगों का विकास अलग अलग समय में होता है, अलग अलग टाइप में होता है। तो इसमें हम ये जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की दर होती है, विकास के विभिन्न दर होते हैं। सो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, करेक्ट आंसर है, 1 मार्क्स मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 23 कैंसल्ड। क्या है कैंसल्ड भाई? माई टेस्ट रिजल्ट शो दैट आई हैव एन इंटरेस्ट फॉर स्पोर्ट्स बट आई डू नॉट हैव माई स्टेमिना टू प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिस्क्राइब द अबव स्टेटमेंट। मेरे परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि मुझे खेलों में रुचि है लेकिन मेरे पास खेलने के लिए सहन शक्ति नहीं है। निम्न में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन को वर्णन करता है? फर्स्ट अभिवृत्ति परीक्षण, कौशल परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, स्किल टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट एंड इंटेलिजेंट टेस्ट। सहन शक्ति नहीं है, खेलने में रुचि है परंतु सहन शक्ति नहीं है, इस चीज को कौन दिखाएगा? ऐसा कौन सा टेस्ट है? मेरे परीक्षण परिणाम दिखाते हैं कि मुझे खेलने में रुचि है पर मेरे खेलने के लिए मेरे पास सहन शक्ति नहीं है। देखिए खेलने में रुचि है तक की बात तो मेरे को समझ में आ गई कि खेलने में रुचि को चेक करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट काम में आ जाएगा, मगर शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। कौशल की कोई बात है नहीं यहाँ पे, उपलब्धि कोई स्कूल टेस्ट हुआ नहीं, बुद्धि परीक्षण का कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे। चलिए चेक करते हैं तो एप्टीट्यूड टेस्ट है कि नहीं है। बिल्कुल सही, एप्टीट्यूड टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से कैंसिल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? चिल्ड्रन ऑफन ब्लेम देमसेल्फ्स फॉर पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट। बच्चे अक्सर माता पिता के बीच झगड़े के लिए खुद को दोषी मानते हैं। व्हाट पियाजे प्रिंसिपल एक्सप्लेन दिस बिलीफ। पियाजे सिद्धांत इस विश्वास की क्या व्याख्या करते हैं? अच्छा हिंदी में गलत हो गया ये, तो पियाजे जो हैं किस सिद्धांत के द्वारा इस चीज की व्याख्या करते हैं? नंबर वन स्वार्थ, इगोसेंट्रिज्म, ए नॉट बी एरर थ्योरी, कंजर्वेशन, ओके एंड क्या है एनिमिज्म, एनिमिज्म यानी सर्वात्मवाद। ओके चलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्या कहे जाएगा इसमें? बच्चा सोचता है कि मेरे मम्मी डैडी मेरी वजह से झगड़ा करते हैं तो ये क्या है उसका? नो आइडिया, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, आंसर देखना चाहूँगा, मुझे इसमें 0 मिलेंगे। ओके करेक्ट आंसर इसका दिया जा रहा है इगोसेंट्रिज्म, मतलब कि ये स्वार्थ की बात यहाँ पे हो रही है, इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कितने क्वेश्चन कैंसिल हुए भाई, ये भी कैंसिल, लगातार कैंसिल आ रहे हैं। ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड व्हेन फेस्ड विद फेलियर व्हाट मीनिंग वुड चिल्ड्रन अटैच टू देयर एक्सपीरियंस। मध्य बचपन के दौरान जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो बच्चे अपने अनुभव से क्या समझेंगे? मध्य बचपन के दौरान जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो बच्चे अपने अनुभव से क्या समझेंगे? ओके शाइंग अवे फ्रॉम एक्टिविटीज इन विच दे आर लाइकली टू सक्सीड। संकोची ऐसी गतिविधियों से दूर रहते हैं जिनमें उनके सफल होने की संभावना हो। मतलब मिडिल चाइल्डहुड में जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो बच्चे अपने अनुभव से क्या समझेंगे इस सिचुएशन में? शाइंग अवे फ्रॉम एक्टिविटीज इन विच दे आर लाइकली टू सक्सेस। संकोची ऐसी गतिविधियों से दूर रहेंगे जिनमें उनके सफल होने की संभावना हो। नेक्स्ट कंक्लूड दैट ट्राइंग न्यू थिंग्स बेटर, या निश्चय करेंगे कि कई नई चीजों की कोशिश करना बेहतर है। कंक्लूड दैट फेलियर इज एन इंडिकेशन ऑफ देयर इनकम्प्लीशमेंट नॉट अ कंडीशन दैट कैन मॉडिफाई नॉट अ कंडीशन दैट कैन बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग और प्रैक्टिस। यह निष्कर्ष निकालना कि असफलता उनकी अक्षमता का संकेत है ना कि ऐसी स्थिति जिसे अधिगम करने या अभ्यास करने से संशोधित नहीं किया जा सकता। एंड नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन एंड बिकमिंग मोर पेसिमिटिक अबाउट देयर एबिलिटीज। कुंठा और अपनी शारीरिक क्षमताओं के बारे में अधिक निराशावादी हो जाते हैं। मिडिल चाइल्डहुड की बात हो रही है तो मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा क्या समझेगा?
मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा किस तरीके से लेगा इस चीज को, अगर वो फेल हो जाता है तो अपनी फेलियर को वो किस तरीके से लेगा, बताइए जी। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस तरीके से मिडिल चाइल्डहुड में ये बच्चा अपनी चीजों को लेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है कंक्लूड दैट फेलियर इज एन इंडिकेशन ऑफ देयर इनकॉम्पिटेंस, नॉट अ कंडीशन दैट कैन बी मॉडिफाइड लर्निंग और प्रैक्टिस। यह निष्कर्ष निकालता कि असफलता उनकी अक्षमता का संकेत है, ना कि ऐसी स्थिति जिसमें अधिगम करने या अभ्यास करने से संशोधित किया जाता है। मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाली बात है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कैंसिल क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे द प्रोसेस विच इन्वॉल्व चेंजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्कमास इन द लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज, ठीक है, मतलब जो एग्जिस्टिंग एक्सकीमाज है, एक्सकीमाज मतलब पुराने जो चीज़ें उसके पास जो बने हुए हैं मन में, वह इसके अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में हम मौजूदा एस्किमास को बदलते हैं। ओके, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को बदला जाता है, इसको क्या कहते हैं। सो इसका जो होता है, इसको बहुत ही सिंपल हर कोई जानता होगा जी, ये सीटेट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं अकोमोडेशन, यानी कि आवास करना। तो ओके, अकोमोडेशन एक तो होता है, एसिमिलेशन मतलब नई जानकारी को ला के भरना, और अकोमोडेशन की उसको फिर से अकोमोडेट करना, उसको बदलना थोड़ा सा। ओके, सो आवाज़ देना, यस, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, इफ 20 डॉट्स आर पुट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और कर्व, वी सी देम टू टुगेदर इग्नोरिंग द गैप बिटवीन देम, दिस फॉलोज विच ऑफ गेस्टाल्ट्स प्रिंसिपल परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। यदि 20 बंदों को एक सीधी वक्र रेखा में साथ साथ रखा जाता है और उनके बीच के अंतर को अनदेखा करके हम उन्हें एक साथ देखते हैं, तो यह गेस्टाल्ट के अवधारणात्मक संगठन के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटिविटी निकटता का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर संवरण का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी सदृश्यता का नियम। ओके, बताइए कौन सा नियम है ये। बीस डॉट को रख करके उनको एक लाइन के रूप में समझना, बीस डॉट को रख करके उनके एक लाइन के बीच में समझने के नियम को क्या समझा जाता है, किस तरीके से देखा जाएगा गेस्टाल्ट वर्क की थ्योरी के अनुसार। अवधारणात्मक संगठन के किस सिद्धांत के अनुसार देखा जाता है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मुश्किल है इसका जवाब दे पाना मेरी तरफ से, आंसर देखेंगे। इसका सही जवाब है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स नीड फॉलोइंग द नीड्स ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, शिक्षकों को छात्रों के विविध समूहों की आवश्यकताओं को क्या करने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की, योजना बनाने की, हैंडल करने की, समझौता करने की। ओके, ध्यान रखने की, योजना बनाने की। तो टीचर्स जो होते हैं, ये एक तरीके से ये जो क्लासरूम है, ये विविध तरीके की जिसको समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, उसमें अलग अलग समूह होते हैं, उसमें टीचर को उनकी अलग अलग ग्रुप के हिसाब से उनको ऑर्केस्ट्रेट करना पड़ता है, उनको योजना बनाना पड़ता है। ध्यान रखने से कुछ नहीं होगा। ओके, समझौता करना कोई मतलब नहीं। सो इसका आंसर योजना बनाना हो सकता है। सो देखते हैं, करेक्ट, योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशियल फॉर चिल्ड्रन टू लर्न लिव इन सोसाइटी, टू लर्न टू लिव इन ए सोसाइटी, निम्न में से कौन बच्चों के एक समाज में रहने के लिए सीखने में बहुत महत्वपूर्ण है, समाज में रहने के लिए सीखने में महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, टू वर्क इन इंडिविजुअल टास्क, व्यक्तिगत कार्यों पर काम करना, टू वर्क कोलैबोरेटिवली सहयोग से काम करना, टू वर्क रिवार्ड पुरस्कार के लिए काम करना, टू वर्क इन आइसोलेशन एकांत में काम करना। तो इसका आंसर बहुत इजीली समझ में आ रहा है, हर किसी ने इसका जवाब सही दिया होगा, सहयोग से काम करना। ऐसे क्वेश्चन कौन छोड़ता है भला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प द चाइल्ड टू ओवरकम द फेलियर इन स्कूल, इनमें से कौन से बच्चे को विद्यालय में असफलता दूर करने में मदद कर सकता है। फर्स्ट, आस्किंग देम टू फोकस ऑन द नेक्स्ट असेसमेंट, उन्हें मूल्यांकन पर, अगले मूल्यांकन पर हम कहें कि केंद्रित कर लो अपना ध्यान। दूसरा, मोटिवेटिंग एंड इनकरेज देम टू एम्फेसाइज एफर्ट्स ओवर एबिलिटी।
क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, गिविंग देम सम फ्री टाइम फॉर लीजर, उनके लिए अवकाश के लिए समय खाली छोड़ देना, ये भी गलत बात है, उनके अनुभाग कक्षा को बदलना, उनकी कक्षा ही को बदल दो, ये क्या बात हुई भैया। ओके, तो करेक्ट आंसर मुझे बी लग रहा है इसका, कि उनको मोटिवेट करें, उन्हें हम मोटिवेट करें, सो करेक्ट आंसर देखते हैं एग्जैक्टली मोटिवेटिंग एंड इनकरेज देम टू एम्फेसाइज ऑन एफर्ट्स और एबिलिटी, मतलब उनकी क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए हम उनको प्रयास करेंगे कि भैया तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी तो है, क्षमताएं तो है, मगर इतने से काम नहीं चल रहा है, तो तुम्हें और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ओके डन गाइस, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, जो लोग हमसे जुड़े रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन, गुड बाय बाय।